यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। 11.8 करोड़ कैश, 10 करोड़ की ज्वेलरी जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पंकज मेहड़िया के कथित 500 करोड़ के घपले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यहां की गई छापामारी में 1.80 करोड़ रुपए की नकदी और 10 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए हैं। छापे से नागपुर में खलबली मची है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू छापे की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। ईडी ने औद्योगिक सुरक्षा बल को साथ लेकर लगभग 35 अधिकारियों की अलग अलग टीमों के साथ नागपुर में बिल्डर कोयला व्यापारी के एक दर्जन ठिकानों पर रेड की। सूत्रों ने बताया कि सन विजय स्टील के संचालक संजय अग्रवाल के घर से 30 लाख नकद एवं 10 करोड़ से अधिक मूल्य के आभूषण मिले। इसी तरह सुरेश बजोरिया के यहाँ 80 लाख कैश जब्त हुई। राम और दिलीप अग्रवाल के यहाँ 20 लाख और चंद्रा पुल के यहाँ 40 लाख नकदी बरामद हुई है। अधिकारियों ने छापे से पहले प्लानिंग की थी। मुंबई से भी अधिकारी नागपुर बुलाए गए। उप संचालक संजय बंगारतले इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नकद और गहनों सहित करोड़ों के लेन देन की फाइलें ईडी के साथ लगी है। पंकज मेहड़िया के अलावा लोकेश जैन, कार्तिक जैन, रामदेव अग्रवाल, सुरेश बजोरिया, सीए अनिल पारेख, विनोद गर्ग आदि के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुधनी के बाईपास हाईवे पर ट्रक के पीछे से जा घुसी एक कार, 2 की मौत, 5 घायल। सीहोर जिले में बुधनी बगवाड़ा टोल प्लाजा के पास एक कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है। कार में सवार सभी लोग नागपुर के बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधनी के बाईपास हाईवे टोल प्लाजा के पास एक कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। ट्रक के और कार के टक्कर के भीषण होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार ट्रक के पीछे से घुसने के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, एक अन्य युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को कार से बाहर निकाला, उन्हें नर्मदापुरम के अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर से कुछ लोग भोपाल की ओर जा रहे थे, सभी नागपुर के बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छिंदवाड़ा में 2 बाइक्स में भिड़ंत, 1 की मौत, जो घायल हुआ उसके पिता की हुई थी हादसे में मौत। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। इकलहरा अंबाड़ा मार्ग पर शुक्रवार सुबह 2 बाइकर्स की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, अन्य गंभीर घायल हो गए। हादसा इकलहरा और अंबाड़ा सड़क पर टोल नाके के पहले शिवम ढाबा के बीच समीप हुआ। इकलहरा निवासी सोनल गोल्डी जवसार कोयला खदान मुआरी में काम करता है। सुबह वह ड्यूटी पर जा रहा था। सामने से दरबई निवासी निहाल यादव अपनी मां के साथ बाइक पर आ रहा था। शिवम ढाबे के पास दोनों बाइक्स में जबरदस्त टक्कर हो गई। एक बाइक का टायर फट गया। गोल्डी को सिर में गंभीर चोट आई, निहाल को भी सिर में गंभीर चोट आई। निहाल की मां 45 वर्षीय मनीषा यादव को भी चोटें आई है। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल बड़कू ही अस्पताल भेजा गया। गोल्डी को नागपुर और निहाल को उसकी मां को छिंदवाड़ा भेजा गया। नागपुर पहुंचने से पहले ही गोल्डी की मौत हो गई। उसके शव को फिर परसिया लाया गया। देर शाम इकलहरा में अंतिम संस्कार किया गया। निहाल यादव को छिंदवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 साल पूर्व हुई थी पिता की मौत। हादसे में घायल निहाल अपनी मां के साथ गंगा पूजन के कार्यक्रम में दरबई लौट रहा था। रास्ते में यह हादसा हो गया। 1 साल पहले निहाल के पिता कमल यादव का इकलहरा बस स्टैंड पर ही हादसे में निधन हो गया था। गोल्डी युवाओं में सक्रिय था। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहने थे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे।